जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड बताने वाला हूं, जिसका नाम है हार्ट अटैक। इसमें मैं आपको हार्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा हार्ट अटैक के बारे में कि आजकल हार्ट अटैक इतने क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन से हार्ट अटैक आने के, और जो एक र्यूमर्स फैले हुए हैं कि जिम वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी क्लियर करूंगा आज मैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले ये देखिए, हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट आप जानते हैं, ये चार चैम्बर होते हैं। इसमें जो मेन है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब पंप की तरह काम करता है। जैसे हमारे घरों में मोटर होता है, मोटर हम दबाते हैं तो पंप की तरह काम करता है और वो पानी ऊपर जाता है, सेम वही काम हमारे हार्ट में ये भी करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है। और इसके आप यहाँ पे देखो कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इसके थ्रू जो होता है हार्ट आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता है, इसी हार्ट इसी पाइप के थ्रू। इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी वेंस। इस पाइप के थ्रू पूरे बॉडी में आपके ब्लड जाता है, इसी ब्लड्स के अंदर बहुत सारे आपके ऑक्सीजन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वापस ये जो पतली पतली आप नलिकाएं देख रहे हैं जो मैंने ऐसे बनाई हैं, इनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरीज। इन्हीं के थ्रू वापस रिच न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से इंक्लूड ब्लड वापस हार्ट में आता है, जिससे हार्ट काम करता है। जैसे हमारे घरों में मोटर काम करने के लिए बिजली चाहिए, तो वैसे ही इस हार्ट को भी पंप करने के लिए कुछ चाहिए, वो काम कौन करता है? यही आर्टरीज करती हैं। तो हमारा जो जब हार्ट अटैक आता है तो इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज के से कुछ रिलेटेड होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, जिम जाने की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये एरो जो बनाया है और यहाँ पे दिखाया है बड़ा करके, यही क्या है? हमारी कोरोनरी आर्टरीज। इसी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हमारे ब्लड फ्लो होता है, इस ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सारी चीजें होती है आप जानते हैं, और ये इजिली फ्लो करता रहता है। लेकिन जब कोई ऐसी, जैसे कि हम ज्यादा कहा जाता है ऑयली चीजें ना खाएं, हार्ट अटैक जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ड्यूरिंग हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या होता है, यही जो हमारी वॉल है, इसी कोरोनरी आर्टरीज की जो वॉल है, ये क्या होने लगती है, एक दूसरे के दबाने लगती है, और उस जो एरिया है उस एरिया को पतला करने लगती है, उस रास्ते को क्या करने लगती है, दोनों तरफ से उसको कवर करने लगती है, जिसको बोला था प्लेग्यू बोला जाता है, प्लेग्यू। जो जब इसको दबाने लगती है तो हार्ट्स को जाने में दिक्कत होती है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होती है, जिससे क्या होता है हार्ट सब पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाता, जिससे हार्ट कहते हैं हार्ट डेड हो गया, इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यही काम होता है किसके अंदर, हार्ट अटैक के अंदर, कि आपकी यही जो कोरोनरी आर्टरीज है, इसी कोरोनरी आर्टरीज की जो वॉल है एक दूसरे से फैलने लगती है, दबाने लगती है, इसमें फैट जमा होने लगता है, और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसको आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया और आदमी को ऐसे पकड़ के गिर जाता है, थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है। ये काम जैसे कि आजकल आप बहुत सारे देख रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला हो या आपके राजू श्रीवास्तव हो, जो साउथ के एक्टर भी थे पुनीत, वो हार्ट अटैक्स में चले गए, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो 30 से 60 की एज में थे। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 20 साल के बच्चे भी, 20 से 25 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक आने लगा, तो क्या हुआ था कि जब ये वीडियोज आने लगी तब लोगों को डर पैदा हो गया कि इतने कम एज के बच्चों में भी हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। और फिर मैं एक वीडियो आई थी 10 अगस्त को, आपको पता हो 10 अगस्त 2021 में रात को 10:15 पे आई थी वीडियो, वो वीडियो ये थी। इस वीडियो के ध्यान से देखिए इस वीडियो में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद जब ये देखा गया तब लोगों को विश्वास हुआ कि कम एज के बच्चों में भी आ सकता है। फिर एक और वीडियो था जिसमें गरबा खेलते खेलते लोग डेथ कर गए, आप ये वीडियो दिखाइए, आपको स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये गरबा खेलते खेलते ये महाशय की को हार्ट अटैक आ गया। ये सारी चीज़ें हुई, क्यों हुई, ये कम एज के लोगों में भी हार्ट अटैक क्यों आया? सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन की वजह से जो हार्ट अटैक आ रहा था, ये बिल्कुल ही निराधार है, अभी तक इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया। जिम में क्या होता है कि जैसे ही आप जिम के अंदर जाते हो और जाते ही देखते हो कि आप को अंदर जोश आ जाता है कि यार जिम करना है, और सामने कोई उठा रहा है 40-40 के डंबल, तो आप भी उठा के, भले आपकी औकात नहीं है लेकिन आप भारी डंबल उठा के मारना शुरू कर देते हो, या फिर सामने आपने कोई क्रश देख लिया, या आपको कोई लड़की दिख गई तो आप कहोगे यार उसके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आप बड़े डंबल उठा के मारने लगते हो, तभी क्या होता है आपके हार्ट पर अचानक लोड पड़ता है और हमारी बॉडीज के मसल्स पर लोड पड़ता है। और हमारा हार्ट भी किससे बना है? मसल से ही बना है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का पिछला
माइंड का पिछला पार्ट कंट्रोल करता है, और उस पर अचानक दबाव पड़ता है हमारी बॉडी पे, और हम जिम में क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जो हमारे, इनको 10 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक आया था, जिम के ही अंदर आया था। तभी से अफवाह उड़ने लगी कि क्या जिम में भी हार्ट अटैक आ सकता है, जिम जाने से हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसी अफवाहें होने लगी। तो ये बिल्कुल निराधार है, जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता। ये कब आता है, जब आप बिना वर्कआउट, पहले आपके जब ट्रेनर जिम जाते हैं तो ट्रेनर क्या कहता है, पहले आप वर्कआउट कर लें, थोड़ा दौड़ लें, थोड़ा वर्कआउट करवाने के बाद आपको बोलता है कि आप अपना काम शुरू करें, आपको जो डंबल उठाना है वो उठाएं। ये कब, जब आप वर्कआउट कर लेते तब सडनली आप जिम में गए और तुरंत आपने डंबल उठाया और मारना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, आपको मारना शुरू कर दिया, हार्ट अटैक पे लोड पड़ेगा, हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे हम बेहोश होने लगते हैं और फिर हम क्या, हमारी डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में CPR दिया जाता है, आपको पता है CPR, हाथों को ऐसे पकड़ के CPR दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिसेशन। ये CPR देना, ये सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में CPR के बारे में बता दूंगा। इससे क्या होता है, आप किसी हार्ट अटैक के मरीज को सडनली CPR, तो उस इंस्टेंट CPR दे के उसकी जान को बचा सकते हैं। कब, जब आपको CPR देना आता होगा। और कहते हैं कि CPR देते समय अगर उसके रिप्स यानी कि हड्डियां टूट भी जाए तो CPR रोको मत, CPR देते रहो, क्योंकि उसकी जान बच जाएगी। इसलिए हम क्या देते हैं, CPR देते हैं। और मेनली आजकल जो रीज़न है, देखिए, जब अचानक मैंने बताया कि जिम में जब अचानक ही आप डंबल उठाने लगेंगे, भारी भारी डंबल उठा के करने लगेंगे, तो आपके जो ब्लॉक, ये मैंने बताया आपको, कोरोनरी आर्टरीज की जो वॉल है ये बीच से रप्चर्ड हो जाती है। रप्चर मतलब ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक हो जाके लॉक कर देती है पूरे रास्ते को जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, और उस रास्ते को लॉक कर देती है, तो ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है और जिम के अंदर क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आता है। लेकिन आजकल जिम के साथ साथ खान पान सबसे तीन मेन रीजन है हार्ट अटैक की, यह है साल्ट, नमक, शुगर, चीनी और मैदा। मैदा जिससे आज हम, आप किसी के साथ जाके आजकल बाहर खाते हो ना मैदा, मैदे के ये जितने भी मोमोज वगैरह, मोमोज तो लोग बड़े चाव से खाते हैं, मोमोज समय से, ये सब किससे बनते हैं, मैदा से। और ये समझ लीजिए एक तरफ से कचरा है मैदा, क्योंकि ये इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि मैदा, आप जानते हो कि ये एक कवर है, ये जो मैंने बनाया है ये है आपका गेहूं, और इस व्हीट के जो ऊपर की जो कवर होती है ब्राउन कलर की, उस कवर को निकाल दिया जाता है, और सारे फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी इस कवर के ही अंदर होते हैं। इस कवर को निकाल दिया जाता है और जो बाकी का बनता है कचरा, उसी से क्या बनाया जाता है, आपका मैदा बनाया जाता है। और उसमें कुछ और केमिकल निकाल के उसको थोड़ा वाइट और बढ़िया बनाया जाता है, ताकि खाने वाले को थोड़ा स्वाद आए, अच्छा लगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये तीन चीज़ें, साल्ट क्या होता है, एक स्टडी में कहा गया है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 5 ग्राम जो है साल्ट खाना चाहिए किसी एक आदमी को, तो लेकिन अब 11 ग्राम कोई एक आदमी 11 ग्राम साल्ट खाता है। दूसरी, शुगर में कहा गया है एक स्टडी में कि 30 ग्राम शुगर हम एवरेज खाना चाहिए एक आदमी को एक दिन में, 30 ग्राम चीनी, लेकिन जो डेली चाय पीते हैं और वो भी एटीट्यूड के साथ पीते हैं कि हम तो चाय, हम एक दिन में 50 चाय पी जाते हैं, एक दिन में 20 चाय पी जाते हैं, तो ये 20 चाय पीने वाले कौन है भाई, अपनी तो सेहत का भी तो ख्याल रखो। ये 20 चाय पियोगे तो तुम कितने दिन जियोगे, 20 चाय पीने का मतलब आप 2 चाय में 30 ग्राम चीनी यूज कर गए, तो 20 चाय में सोच लीजिए आपने तो 200 ग्राम चीनी यूज कर ली, तो फिर। और आज कल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो हर बात में इस दिल को ही, इस हार्ट को ही बदनाम करते हैं, हर बात में। एक तो ये पता नहीं किस बेवकूफ ने ये वाला दिल बनाया, अरे भाई ये वाला दिल कहाँ से होता है, जबकि दिल हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, और हर बात में दिल दे दिया तो दिल टूट गया, दिल ये हो गया, दिल वो हो गया, अरे भाई इसलिए तो आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ कि, और उस पर शायरी बनाते हैं कि दिल दे दिया दिल्ली वाली को तो दिल्ली चली गई, गया जो मिलने दिल्ली तो इटली चली गई, सोचा कि जान दे दूँ मैं बिजली के तार से, छुआ जो तार बिजली का बिजली चली गई। ठीक है, तो तुम थे ही ऐसे कि बिजली चली गई। यही जब रप्चर्ड हो जाती हैं तो हार्ट अटैक आता है, यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है, एक दूसरे से दबा के रास्ते को ब्रेक कर देती हैं, रोक देती हैं, तो वो ब्लॉकेज होता था। इसी ब्लॉकेज को हार्ट अटैक या फिर कंप्यूटर, ये डॉक्टर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस, ये नाम बोलता है। जब वो डॉक्टर बोले कि एथरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉकेज हो रही है, यानी कि आपको हार्ट अटैक का खतरा है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।